हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन अलर्ट। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, आफ्टर ट्वेल्थ ऐसा आप क्या करें जिससे आपकी लाइफ एकदम छकाचक सेट हो जाए। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते ये चलते हैं आपको वीडियो की ओर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो, अगर आपने ट्वेल्थ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM से किया है तो लोग कहते हैं कि PCB बायोलॉजी से इंटर करो तभी आप फार्मेसी का कोई कोर्स कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने PCM से भी किया है तो भी आप फार्मेसी के कोर्स के लिए अवेलेबल हो, आप कोई भी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो। तो जैसे कि आपको डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BSc नर्सिंग, एम फार्मा, ये सारे कोर्स आप कर सकते हो अगर आपने मैथ से इंटर किया है। अगर आपने बायोलॉजी से किया तो आप मोस्टली आप फार्मेसी के क्षेत्र में जाओगे, फार्मेसी का कोर्स करोगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको डी फार्मा करना चाहिए आफ्टर ट्वेल्थ, या बी फार्मा करना चाहिए, या BSc नर्सिंग का, एम फार्मा करना चाहिए। तो मेरा जो एडवाइस है वो है कि आपको बी फार्मा करना चाहिए। सबसे जो टॉप, सबसे बेस्ट है वो है बी फार्मा। आपको बी फार्मा करना चाहिए, ना कि डी फार्मा, क्योंकि डी फार्मा केवल 2 ईयर्स का होता है, वो एक डिग्री होती है। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, जो भी अच्छी, जिससे हम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, खुद का कहीं एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं जिससे हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बी फार्मा करके भी हम थोड़ी बहुत तो इनकम कर ही सकते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो बी फार्मा, क्योंकि बी फार्मा इज़ द बेस्ट फार्मेसी ऑफ कोर्स। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, एम फार्मा की या डी फार्मा के, क्योंकि बी फार्मा 4 ईयर का होता है और डी फार्मा होता है 2 ईयर्स का। तो आपको जो भी फार्मेसी का कोर्स अच्छा लगे, आपको जितना आता हो उस हिसाब से आप कोई भी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। तो ये अगर आप, बट आप कौन लोग फार्मेसी का कोर्स नहीं कर सकते, जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया है, होम साइंस से किया है, ऐसे लोग मेडिकल का कोई भी कोर्स करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं रहता है जो उन्हें पता होना चाहिए। बट अगर आपने PCM या PCB से किया है तो आप 100% कोई भी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो। ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर। बाय।